ये साले हरामखोर आतंकवादी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए खुद के शरीर पर बॉम्ब लगा के खुद को उड़ाने की औकात रखते हैं। और बुरा तो लगेगा जनाब आपको सुन के कि हम उनसे भी बड़े हरामखोर हैं कि जब हमारी सेना इनसे लड़ती है तो हम हमारी ही सेना से प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, राजनीति करते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखिए पहले आप लोग, उसके बाद हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये किसी मूवी की क्लिप या कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, बल्कि कुछ रियल फुटेज है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह अमेरिका पे हुए आज तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की है, 11 सितंबर 2001। बल्कि अमेरिका का ही नहीं, ये पूरे विश्व का आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और इसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। पूरा का पूरा प्लेन घुसा दिया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, जो पूरी बिल्डिंग को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि एक प्लेन को ही नहीं, यहाँ पे पूरे 4 प्लेन्स को हाईजैक करा गया था। देखिए, बदले की जो भावना होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इतना आसान काम थोड़ी ना था। पहले आपको अमेरिका में घुसना है, उसके बाद वहाँ के प्लेन्स को हाईजैक करना है, और सबसे बड़ी बात अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हुए आपको उन प्लेन्स को बिल्डिंग के अंदर घुसाना है। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, इनका ना कोई धर्म होता है, इनका ना कोई मजहब होता है। इनका काम सिर्फ इंसानियत के ऊपर एक घातक हमला करके उसको चोट पहुंचाना होता है। कैसे इन्होंने प्लानिंग करी, कैसे उसे एग्जीक्यूट करा, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ऐसा करा क्यों, सब कुछ यहाँ पे हम जानेंगे। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी के मेन विलन से शुरुआत करते हैं, ओसामा बिन लादेन। सऊदी अरब में जन्मा, काफ़ी पढ़ा लिखा, सिविल से इसने इंजीनियरिंग की थी, और वहाँ के सबसे बड़े बिल्डर मोहम्मद बिन लादेन का ये बेटा था। मोहम्मद बिन लादेन जो था, उसके पास बहुत पैसा था। अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में सड़कें बनाने का 80% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मोहम्मद बिन लादेन के पास था। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का एक आतंकवादी संगठन भी था, अलकायदा, जिसे ये वहीं से कंट्रोल करता था और वहीं से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाता था। अफगानिस्तान में लादेन के आतंकवादी संगठन अलकायदा के ऊपर अमेरिका लगातार कार्रवाई कर रहा था, उसके आतंकियों को वो लगातार मार रहा था, और ओसामा बिन लादेन इससे बड़ा ही परेशान हो चुका था। ये जो 9/11 का हमला था, इससे पहले भी लादेन ने छोटे मोटे आतंकी हमले करना स्टार्ट कर दिए थे, हालांकि उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इससे उसको एक मोटिवेशन मिला और फाइनली उसने डिसाइड किया कि क्यों अब ना एक बहुत बड़ा धमाका करा जाए। इसी बीच सोने पे सुहागा होता है और दो लोग उससे मिलने आते हैं जब वो अफगानिस्तान में अपने बंकर में विश्राम कर रहा होता है। पहला खालिद शेख मोहम्मद और दूसरा मोहम्मद आतिफ। खालिद शेख मोहम्मद ने सबसे पहले ओसामा बिन लादेन के सामने अमेरिका के ऊपर एक ऐतिहासिक आतंकवादी हमला करने का प्रस्ताव रखा। 1996 के अप्रॉक्स की ये बात है। थोड़ा सा समय लिया ओसामा बिन लादेन ने, लेकिन लगभग 2 साल के अंदर 1998 के आसपास उसने इस हमले की मंजूरी दी और कहा कि हमले की तैयारियां शुरू करो। खालिद शेख मोहम्मद को यहाँ पे काम दिया गया कि तुम पैसा इकट्ठा करो, और दूसरा जिहादी मोहम्मद आतिफ को कहा गया कि तुम आतंकी इकट्ठे करो। भाई देखो, हमला करना है तो पैसा भी चाहिए होगा और साथ में आदमी भी तो चाहिए होंगे जो उसको अंजाम देंगे। लगभग 2 साल लगे, लेकिन 1999 की शुरुआत होते होते खालिद शेख मोहम्मद ने तो पैसा इकट्ठा किया और आतिफ मोहम्मद ने 19 जिहादियों को सेलेक्ट करा। देखिए, ये जो जिहादी होते हैं ना, इनको पता होता है कि ये जिस मिशन के ऊपर जा रहे हैं वहां से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी ये उस मिशन को चुनते हैं और बड़े जोश के साथ उस मिशन को पूरा करते हैं। कारण पीछे एक ही होता है, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश करा जाता है। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद ये जो जिहादी होते हैं, ये उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जिहादी पढ़े लिखे तो थे नहीं। सबसे पहले लगभग 1 साल तक इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, अमेरिकी लहजा सिखाया जाता है, प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें करना भी तो यही था, अमेरिका जाके प्लेन को जो हाईजेक करना था। सब कुछ तैयार था।
अब बारी थी इन्हें अमेरिका भेजने की, लेकिन बिल्कुल प्लानिंग के साथ इन्हें अमेरिका भेजा गया। सबसे पहले 2 आदमियों को अमेरिका भेजा गया, उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया 1 महीने का, फिर उसके बाद में 1 आतंकी को भेजा गया, फिर 4-5 महीने का गैप लिया, फिर 4 को भेजा गया। इस तरीके से इन्हें ग्रुप्स के अंदर अमेरिका भेजा गया और 2001 की शुरुआत होते होते ये सारे के सारे आतंकी अमेरिका पहुंच चुके थे। फाइनली 11 सितंबर 2001 का वो दिन आया जिसने आतंकवाद को एक अलग ही लेवल पे डिफाइन करा, और अमेरिका को उस दिन समझ में आ गया कि अगर इस आतंकवाद को या इन आतंकवादियों को अगर रोका ना गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। अमेरिका पहुंचने के बाद ये जो 19 जिहादी थे, ये जो 19 आतंकवादी थे, इन्होंने अपने 4 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, और जो लास्ट वाला ग्रुप था उसमें 4 आतंकी। और हर ग्रुप के अंदर 1 या 2 आतंकी ऐसे थे जिन्होंने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग पहले से ही ले रखी थी। पहले ग्रुप के 5 आतंकी चढ़े अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 में, जिसमें टोटल 89 मेंबर्स थे और जिसका डिपार्टेड टाइम था 7:59 AM सुबह, और इसे लॉस एंजलिस जाना था जो कि यूएसए में ही आता है। इसके जस्ट 15 मिनट बाद 8:15 पे दूसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 175, जिसमें दूसरे ग्रुप के 5 आतंकी चढ़े, इसमें कुल 60 मेंबर्स थे और इसे भी लॉस एंजलिस जाना था। इसके जस्ट 5 मिनट बाद 8:20 पे तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77, जिसमें तीसरे ग्रुप के 5 आतंकी थे, इसमें कुल 59 मेंबर्स थे और इसे भी लॉस एंजलिस जाना था। और अंत में 8:42 पर सुबह के समय चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93, जिसमें चौथे ग्रुप के 4 आतंकी थे और इसमें टोटल 40 मेंबर्स थे, इसने सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी। सारे प्लेन्स के टेक ऑफ करने के 10 से 15 मिनट बाद सारे टेररिस्ट खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने अपना कंट्रोल पैसेंजर्स के ऊपर लिया, उसके बाद फाइनली अपना कंट्रोल पायलट के ऊपर लिया। देखिए एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था अंदर प्लेन्स में, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन हादसों के अंदर एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं था जो सर्वाइव करा हो, जो बचा हो, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे पायलट हो, चाहे क्रू मेंबर्स हो, या फिर वो खुद टेररिस्ट ही क्यों ना हो, सबके सब यहां पे मारे गए थे। 11 सितंबर 2001 सुबह 8:46 पे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एक प्लेन आता है जो कि 110 माले की बिल्डिंग थी, और 80वें फ्लोर पे आके वो प्लेन इतने भीषण तरीके से टकराता है कि लोगों के चिथड़े उड़ गए थे वहां पे। शुरुआत में लोग समझ रहे थे कि ये कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। 17 ही मिनट निकले थे कि दूसरी ओर से एक और प्लेन आता है और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग से जाके इतने भीषण तरीके से टकराता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कुछ ही मिनटों के अंदर कॉलेप्स कर जाती है। 2700 लोग उसी समय यहाँ पे मारे जाते हैं और लगभग 8,000 से 12,000 लोग वहाँ पे इंजर्ड होते हैं। मौत का मंजर अभी रुका नहीं था। आधे ही घंटे बाद तीसरी फ्लाइट जो कि पेंटागन, जहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर बैठता है अमेरिका का, वहाँ पे जाके टकराने ही वाली थी कि निशाना चूकने की वजह से वो थोड़ी सी दूर जाके क्रैश होती है, लेकिन इसके अंदर भी बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। अंतिम और चौथी फ्लाइट, इसका तो टारगेट ही वॉशिंगटन डीसी था, जहाँ पे व्हाइट हाउस है अमेरिका का, जिसे हम प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, लेकिन ये अपने पाथ से भटक जाती है। इसमें बैठे जो पैसेंजर थे उन्होंने सोचा कि साला मरना ही है तो क्यों ना इनसे हम लड़ के मरे, और वो जाके आतंकियों से भिड़ जाते हैं। पायलट जो है वो अपना कंट्रोल खो देता है इसी बीच में, और ये जो प्लेन था वो पेनिसवेलिया के अंदर वॉशिंगटन डीसी से थोड़ा दूर जाके क्रैश हो जाता है, और इसमें भी जितने भी पैसेंजर्स थे वो सबके सब मारे जाते हैं। इन सभी हादसों में लगभग 3,000 लोग मारे जाते हैं। 3 दिन तक अमेरिकन एयरलाइन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है, और इन धमाकों के साथ ही ओसामा बिन लादेन का मिशन अमेरिका पूरा हो चुका था। वो जो तबाही का मंजर देखना चाहता था अमेरिका के अंदर, वो उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हैंड टू हैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि आतंकवाद और संवाद कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने उसी समय वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ है। तब से लेके आज तक 20 साल बीत चुके हैं। अमेरिकी सैनिक जो है वो अफगानिस्तान में अभी भी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अलकायदा अभी भी कायम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।